खेतों से निकलने वाला धुआं तो दिल्ली तक पहुंच जाता है, लेकिन फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं क्या ऑक्सीजन है? एक तरफ सरकार किसानों का हितैषी बनने का दावा करती है, वहीं किसान तो हर तरफ से मारा जाता है, कहीं बाढ़ से तो कहीं सूखे से। और तो और 1868 धान का रेट है, लेकिन किसानों को 1000 से 1200 तक ही मिल रहा है। इसके अलावा खेतों में जलने वाली पराली का धुआं तो दिल्ली तक पहुँच जाता है और मजबूर किसानों के ऊपर प्रशासन कार्यवाही भी कर देता है, लेकिन इन फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं क्या ऑक्सीजन है, जो कि ना तो दिल्ली तक पहुंचता है और ना ही प्रशासन तक। आपको बता दें कि थाना रोजा के अटसलिया फाटक के आगे बनने गांव के रोड पर परी नमकीन के नाम से और जमोर में स्थित केआर पेपर मिल नाम की फैक्ट्रियों से निकलने वाला यह धुआं ना तो दिल्ली तक पहुंचता है और ना ही प्रशासन के पास तक, क्योंकि परी नमकीन और केआर पेपर मिल के मालिकों की पहुंच बहुत ऊपर तक है, इसलिए शासन और प्रशासन भी इन पर कार्यवाही नहीं करता। पराली जलाने पर मजबूर किसानों के ऊपर तो कार्यवाही कर दी जाती है, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि इन बड़ी फैक्ट्रियों के मालिकों पर कब कार्यवाही होगी। इन फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं से आसपास के ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारे गांव की पूरी रोड पर लगा देते हैं गाड़ियां, निकलने की दिक्कत है, कचरा फेंक देते हैं रोड पर, उसकी बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी बात, इतना धुआं निकलता है इनकी मील से कि लोगों का जीना दुश्वार है, सांस लेना बहुत मुश्किल है। सरकार किसान की पराली फूकने मुकदमा लिखा देती है, इन व्यापारियों को क्या कुछ नहीं हो सकता। इन मील मालिकों पे कोई कंप्लेंट सरकार नहीं कर सकती, इसके विचार में प्रशासन को विचार करना चाहिए। तो मतलब इस बारे में आप क्या क्या कार्रवाई चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, हम तो ये चाहते हैं प्रदूषण कम करें और रोड पर जो गाड़ियां लगाते हैं उनकी नहीं लगनी चाहिए, रोड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। बहुत समस्याएं गाँव वालों को आ रही है, रोड की हालत आप लोग देख रहे हैं कैसी कर दी गई है, ये सब परी नमकीन फैक्ट्री की देन है। यूसुफ भाई, ये बताइए, जैसे सरकार जो है जब किसान पराली जाते हैं तो उन पर मुकदमा दर्ज करवा देती है, लेकिन ये आपके यहाँ परी नमकीन फैक्ट्री है, इससे आपको कितना नुकसान होता है? सर देखिए, इससे हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान होता है कि आए दिन यहाँ पर मोड़ पे एक्सीडेंट होते रहते हैं और वो गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं, उसकी वजह से बहुत जाम लग जाता है। 9 बजे जब उनके लेबर निकलती है तो इतनी भीड़ लग जाती है कि आम आदमी को वहाँ से निकलना बहुत तकलीफ होती है और आए दिन एक्सीडेंट वहाँ पर होते रहते हैं। अभी हाल ही में एक्सीडेंट हुआ है वहाँ पर, वो खास दीपावली वाले दिन एक व्यक्ति ख़त्म हो गया वहाँ पर, और आए दिन इतनी गंदगी करते हैं जिसका कोई शुमार नहीं। चौमास में तो इतनी कचरा डाल देते हैं रोड पे जिसका कोई शुमार नहीं। उधर से जुगर आप साइकिल लेकर निकलते हैं तब भी जुगर आपका पैर फिसल गया या पहिया फिसल गया तो गिर जाने पर आपका चोट लग सकती है। अच्छी बात, कई बार लगी है, हमारे भी लगी है, और अच्छी खासी वो लोग गंदगी करते हैं और प्रदूषण बहुत ज़्यादा फैलाते हैं। हमारी यही गुजारिश है सरकार से कि जो किसानों के साथ हो रहा है वो इनके साथ भी होना चाहिए। ये परी कंपनी वाले जो हैं बहुत ज़्यादा गंदगी फैलाते हैं। धर्मपाल जी, ये बताइए कि जैसे किसानों पे जो पराली जलाते हैं तो मुकदमा दर्ज होता है, लेकिन ये परी नमकीन फैक्ट्री जो है यहाँ है, इससे आप लोगों को कितना नुकसान है? इससे बहुत बड़ा नुकसान है, ये एक तो गाड़ियाँ लगा देते हैं, उससे बहुत परेशानी हमें होती है, और सड़ी हुई नमकीन बरसात में ध्यान देते हैं खंती रोड किनारे, उससे इतनी बड़ी गंदगी और कचरे धोती है, उससे बीमारी बहुत फैलती है। और जो सचिन भाई साहब कह रहे हैं ये बिल्कुल बात सत्य है, और हम लोग पराली जलाते हैं तो सरकार को बहुत बड़ी दिक्कत आती है, और ये इतना बड़ा प्रदूषण फैलाते इससे दिक्कत नहीं आ सकती क्या? तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि ये धुआंधार ना हो, ये गंदगी ना फैलाए, और रोड किनारे गाड़ियां ना लगाएं, और अगर ये फैला तो हमें पराली जलाने दी जाए।